अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल एस पी साई का खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी दालचा। उसके लिए हमने ये आधा कप ऑयल ले लिया है। इसमें डाले हैं 2 से 3 तेज़ पत्ते, 2 से 3 बादियान की कलियाँ, 2 से 3 इलायचियाँ हरी वाली, 1 बड़ी इलायची काली वाली, और साथ में जाएगी इसमें तकरीबन 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। इसके साथ ही चले जाएंगे लौंग, और जाएंगे इसके साथ में कड़ी पत्ता। ये तकरीबन 2 से 3, अच्छा 2 से 3 डंडियाँ कड़ी पत्ते की चली गई। साथ ही इस पर चले जाएंगे ये 2 प्याज कटी स्लाइस की हुई, अच्छा जी 2 छोटी प्याज स्लाइस की हुई चली गई इसमें। इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए, मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे इसको। अच्छा अभी बस प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, बस लाइट सा इसे कलर देना था, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें 1 लाल मिर्च है कूटी हुई, साथ ही चलिए थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। और साथ में आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 1 टेबल स्पून जीरा था, 4 से 5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक, 2 से 3 या 4 टुकड़े बादियान के, और काली मिर्च तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च थी, और 2 तेज़ पत्ते थे गर्म मसालों में। ठीक है जी, अब ये फ्राई हो गया। साथ ही इसमें शामिल करते हैं ये टमाटर, ये 3 बड़े टमाटर स्लाइस किए हैं। और साथ में इसमें दालें जो है हम शामिल करेंगे, चने की दाल है 1 पाव, और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून मसूर की दाल है जिनको हमने भिगो के रखा था 4 से 5 घंटे के लिए, और उसको हमने बॉईल कर लिया है। अभी आपको वो भी दिखाते हैं, अच्छी तरह मैश करना है बॉईल करने के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल। अच्छा जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं ये 1/2 kg चिकन, आप इसे मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। अब साथ ही इसमें चले जाएंगे मसाले। अच्छा भाई, बस इसमें आप मसाले शामिल करते हैं, चिकन हमारा भुन रहा है साथ साथ। इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, साथ में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को। अच्छा भैया, चिकन हमारा भून चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं दही, आप इसकी जगह इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून, या इमली का पानी डाल सकते हैं 1/2 कप। इसमें चला गया ये 3 से 4 टेबल स्पून दही, दालचा थोड़ा सा खट्टा टेस्ट का होता है इसीलिए इसमें आमचूर, दही, इमली का पानी, टमाटर ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं ये लौकी कटी हुई, 1 पाव लौकी ली हुई है यहाँ पे, इसके इस तरह से टुकड़े काटे हुए। लौकी या कद्दू कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको भी भून लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा भैया, इसमें चिकन और लौकी हमारी दोनों ही अच्छी तरह भून चुके हैं 5 मिनट के लिए, हमने इसको अच्छी तरह मीडियम आंच पे भून लिया। अब इसमें शामिल करते हैं पानी इसके गलाने के लिए, आप चाहें तो प्रेशर कुक कर सकते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, और अगर चाहें तो ऐसे ही पका सकते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए आपको पकाना होगा। अच्छा जी, अब इसमें पानी शामिल करते हैं। चिकन तो बहुत साथ ही गल जाती है भुनते ही, लौकी को हमने गलाना है, थोड़ा सा टाइम लेती है ये तकरीबन 25 मिनट, आप इसको स्लो आंच पे गला लेंगे। और इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी, ठीक है, तो इसको दिखाते हैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद। अभी बस 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए लौकी और चिकन दोनों गल चुके हैं, ये देखिए बेहतरीन से गल चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं हम ये
हरा धनिया और हरी मिर्च, 4 से 5 जितनी आपको डालनी हो आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें ये दाल चली जाएगी बॉयल हुई हुई, चने की दाल और मसूर की दाल, 1 पाव चने की दाल है, 3 टेबल स्पून मसूर की दाल है, और बहुत बेहतरीन सी मिक्स हुई हुई है, मैश करनी है अच्छे से। और इसके बाद इसके अंदर मिक्स करना है। चलिए दाल इसमें हमने डाल दी है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी मिक्स हो चुकी है। इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, और इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून खुशबू के लिए। वैसे तो साबुत गरम मसाला इसमें डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करने के लिए ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला चला गया इसमें। 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। व्यूअर्स, हमारा हैदराबादी दालचा तैयार है, बहुत ही बेहतरीन सा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और लाइट सी रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी नई वीडियोस आपको रोज़ की बेस पे मिल सकें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।